भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल, सुभाष जी मेरिया, प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी सराफ, सांसद अर्जुन जी मेघवाल और दुष्यंत सिंह जी, पूर्व विधायक मदन लाल जी सैनी, विधायक कृष्णेंद्र कौर दीपा जी, विधायक गोपाल जी जोशी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, देहात जिला अध्यक्ष राम गोपाल जी, शहर मंडल अध्यक्ष और देहात मंडल अध्यक्ष, और साथ में मंच के ऊपर बैठे भारतीय जनता पार्टी के और नेता कार्यकर्ता बंधु मेरे इस तरफ बैठे हुए गायब पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता बंधु, सामने बैठी हुई मेरी माताएं बहने, आपको प्रणाम, और इधर बैठे हुए बहुत ज्यादा ताकत में आए हुए सब मेरे भाई और बुजुर्गण, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत जोरदार प्रणाम करना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज ऐतिहासिक यहाँ मीटिंग करके हम सबका इतना जोरदार स्वागत किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज बहुत ही अच्छा दिन निकला है। सबसे पहले मुकाम के दर्शन हुए, नोखा की मीटिंग हुई, उसके बाद साला दर्जी का के दर्शन हुए, वहां की मीटिंग हुई, और अब आपके जोरदार दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा कि इन सब को लेके आज जो भी लोग मेरे को कहते हैं मैं भगवान भरोसे हूँ, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि भगवान भरोसे ही हूँ। मंदिर भी आ जाते हैं, देवता लोग भी 33 कोटि मिल जाते हैं, और उन लोग सबके दर्शन करके हम लोग तो वैसे ही धन्य है। मैं समझती हूँ कि अगर राजस्थान का यहाँ पे गया है हमारे 5 साल के अंदर, तो वो गया क्योंकि मेरे काली देवी देवता नहीं, वो 33 कोटि है देवता भी साथ में लगे हुए थे, तो सब ने मिलकर राजस्थान का जो कल्याण किया उन 5 साल के अंदर, उन देवताओं को मैं फिर से प्रणाम आज करना चाहूंगा। आप लोग ये सोच रहे हो ना कैसा, मैं भी सोचा आज मुकाम के दर्शन करके आज दिन शुरू करूंगी, परंतु मालूम नहीं कैसा हो गया, थोड़ा सा जल्दी कार्यक्रम हुआ और हम पहुंचे सुजानगढ़ में किसी ने कहा चलिए अपन साला सर जी के दर्शन कर आते हैं, और आज मंगलवार का दिन है, तो मैंने कहा भगवान ने चला के बुलाया और इतनी अच्छी मीटिंग हुई, और फिर आप लोगों के पास टाइम पे आने का मौका मिला, और आप लोग भी बिल्कुल टच से मत करके नहीं बैठे हो, और डूंगरगढ़ तो ऐसी जगह है जहाँ मुझे हमेशा आना पसंद है, क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री थी डूंगरपुर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी, और इसलिए भी रखती थी क्योंकि यहाँ से लोग लगातार आते थे मेरे पास। आपके जब मूंगफली की फसल का टाइम आता था तो मुझे मालूम है कि मुझे बिजली का इंतजाम आप लोगों के लिए वैसे ही करना पड़ता था। अब मुझे मालूम नहीं कि अभी भी कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं वाकई में कोई नहीं कर रहा, तो फिर तो इन नेताओं को बोलना पड़ेगा वो आके क्या हमारे परेशान करते थे, कि अब तो आप मेहरबानी करके हम लोगों को थोड़ा सा इंतजाम कर दो, मूंगफली का टाइम है। मुझे घबराहट होती थी मूंगफली का टाइम जब आता था, मुझे मालूम था कि डूंगरगढ़ से कोई ना कोई तो आएगा, याद दिलाएगा कि मूंगफली का टाइम आ गया है, और मेरे से बिजली और ज्यादा लेके चला ही जाएगा, और क्योंकि अपना घर परिवार तो देना है ही, कोई आएगा बोलेगा तो करना ही है। आज मैं एक दूसरा दिन है, इसलिए भी आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज महाराणा प्रताप का इनकी जयंती है, और इसकी याद में आप लोग को दिलाना चाहूंगी, महाराणा प्रताप वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, अपनी जान की कुर्बानी देने की तैयार थे, ऐसे लोगों को अपने को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने ऊपर नहीं अपने प्रदेश और अपने देश के लिए सब कुछ करने को जायज तैयार थे। ऐसे महाराणा प्रताप जो आज इतिहास के अंदर पहुंच गए हैं, उनके साथ साथ तो मैं कहती हूँ बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने स्वराज को समझ के सुराज को हाथ में लेके उसको करने का मौका दिया। आपको याद होगा कि आपके इस इलाके के अंदर कभी कोई सोच सकता था कि पानी मिलेगा, अरे आप लोग क्यों कर रहे हो, छोड़ दो ना,
इधर बैठ जाओ आप लोग, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ आप लोग, थोड़ा बैठ जाओ, बस थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। आपको ध्यान होगा कि ये इलाके के अंदर कोई पानी ला सकता है क्या? कोई ला सकता था? कोई सोच सकता था? कोई सोच नहीं सकता था, परंतु महाराजा गंगा सिंह ने सोचा और उन्होंने कहा नहीं मैं लाऊंगा और मैं बदलूंगा, मेरे प्रजा की जनता को मैं बदलने का, मैं की जिंदगी को बदलने का मैं काम करूंगा, मैं सुराज लाऊंगा अपने इस बीकानेर क्षेत्र के अंदर। और उन्होंने गंगा करनाल, जिसको हम सब याद करते हैं और आज इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, ऐसे कनाल जिसने आज इस क्षेत्र के अंदर पानी फैला के और लोगों को जिंदगी दी है, वो सपना सबका, और आज उस सपने को हमने सामने रख के काम करने का आदर्श लिया है। मैं आप लोग सबको कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने भी स्वराज का नारा लेके आप लोगों ने उतरने का काम किया। पुलिस वाले लोग प्लीज बैठ जाओ आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों के पीछे वजह से वो हो रहा है। आप लोग बैठ जाओ सब, आप लोग बैठ जाओ प्लीज, आप बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ आप, तो ठीक है आप शांति से, अब बोलेंगे नहीं क्यों। आप लोग सबको याद है कि स्वराज के बाद सुराज लाना बहुत जरूरी है। कोई भी सरकार आती है तो पहले अपने बारे में उसे सोचना नहीं चाहिए, उसको पहले अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए जब हम लोगों ने शपथ ली थी तो मैंने आप लोग सबको ये कहा था कि हमने ये राज की शपथ नहीं ली है, हमने ये सेवा की शपथ ली है और हम आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध वचनबद्ध है और हम आपकी सेवा के लिए जहां तक जा सकते हैं वहां करने की तैयार है। मैंने सिर्फ एक चीज अपने प्रजा से मांगा था, मैंने कहा था आप हमारे परिवार के लोग हो, आप अपना प्यार देते रहो, वो सबसे अमूल्य हमारे लिए है और हम आपके बीच में सुराज लाने की कोशिश करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि राजस्थान की क्या हालत है, उसके बाद भी हमारी ये कोशिश होगी कि आपका काम पहले हो और अच्छी तरह से हो और भ्रष्टाचार जितने से हो सके उसको कम करने की हम कोशिश करें। अब आप लोग सब जानते हो कि सुराज के तीन बड़े बड़े आयाम होते हैं। सबसे पहले सुरक्षा की बहुत जोरदार जरूरत है। आप देख रहे हो कि इस देश के अंदर ही नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर भी किस तरीके से सुरक्षा का तार तार हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ही बिगड़ गई है। आज जयपुर को कोई जानता है तो वो इसलिए जानता है क्योंकि महिलाओं की चेन खींची जाती है, वो पहले का इतिहास नहीं है, आज महिलाओं की चेन खींची जाती है, इसलिए राजस्थान का जयपुर पूरे देश में जाना जा रहा है। कितनी शर्म की बात है, मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, कितनी शर्म की बात। कहाँ वो राजस्थान जो महाराणा प्रताप के नीचे चला करता था, कहाँ वो राजस्थान जिसके लिए गंगा सिंह जी ने इतना बड़ा सपना देखा था, कहाँ वो राजस्थान जो इतिहास की किताबों में आ चुका था और जिसको देखने के लिए, जिसको हाथ लगाने छूने के लिए बाहर से लोग पर्यटक बने हो आया करते थे, सबसे पहले राजस्थान आते। आज राजस्थान की यह स्थिति है कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महिलाएं आप लोग बैठे हुए हो, हमारी बेटी अगर कॉलेज चली जाती है, स्कूल चली जाती है, तो जब तक स्कूल और कॉलेज से वापस नहीं आती है तब तक दिल धक धक करता है, करता है कि नहीं करता है, आप लोग सब जानते हो। आपने देखा जयपुर के अंदर क्या हुआ, आज मैंने से उन मूक बधिरों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ, कोई बोलने वाला नहीं था उनके लिए और उनको मालूम पड़ा, 30 अप्रैल को मालूम पड़ा, तब भी 2 हफ्ते के लिए कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे थे और राहुल गांधी को मालूम पड़ जाएगा तो हमारी कहीं सीआर खराब ना हो जाए, इसलिए उनको मरने दो, उनके साथ अत्याचार होने दो, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले हमको देखने, अपने आप को देखने की जरूरत है। कितनी शर्म की बात है जब हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बिटिया की इज्जत इस तरीके से लूटी जाती है, कितनी शर्म की बात है। और जो मुखिया अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को संभाल नहीं सकता, उसको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, वो नहीं जला सकता प्रदेश को। ये तो हमारी प्रदक्षा, प्रदेश की सुरक्षा के सवाल है। आज आप देखिए सुराज की आप बात करते हो तो यहाँ सब किसान भाई बैठे हुए हैं, मुझे बताओ बिजली मिल रही है? ये तो आज अच्छा हो गया, हवा चल गई, ये तो हवा चल गई। मैं आज नौका गई थी तो
सिर से पांव तक बह गई थी, इतना पसीना आ रहा था, इतनी उमस थी, इतनी गर्मी थी। आज आप लोग सब जानते हो, इसी मैं पूछ रही हूँ किसानों से कि वो दिल्ली में जयपुर में बताया जा रहा है कि 8 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है, 3 फेज की बिजली है क्या किसी को मिल रही है? 2 घंटा लाइट मिलती है किसानों को? नहीं भाई, उससे ज्यादा मिलती है। 3 घंटे 4 घंटे मिलती है और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और अगर आप लोगों का वो ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मर 2 महीने तक वापस नहीं आता, 72 घंटे तो भूल जाओ। और अगर आता है तो रिश्वत बिना नहीं आता है, ये भी हम लोग सबको मालूम है। और वो रिश्वत 2000-3000 रिश्वत नहीं है, 12000-10000-20000-25000 तक रिश्वत जब तक नहीं मिलता तब तक आपका ट्रांसफॉर्मर वापस नहीं आता। और इसी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे को अभी सवाई माधोपुर के अंदर एक किसान मिला था और किसान ने मेरे को कहा कि ये देखो मेरे कंधे के ऊपर मैंने मीटर टांग रखा है और ये मेरे हाथ के अंदर जो है वो बिल है बिजली का और मेरे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, परंतु ये देखो कितना तगड़ा बिल है। और मैंने जाकर उस शाम को बिजली विभाग से बात की तो बिजली विभाग ने कहा हाँ जरा सी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। और दूसरे दिन सुबह मेरे पास किसान आया दौड़ता हुआ, उसने कहा मेरा मीटर भी लग गया, मेरे बिजली का कनेक्शन भी हो गया और मेरे बिजली का बिल भी माफ हो गया, आप तो यही रहो। मैं सबको आगाह कर दिया है कि जनता के साथ जो लोग इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे और जिनके बारे में हम लोगों को मालूम पड़ जाता है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने उन लोगों को ये भी कह दिया कि आजकल ये नई बात VCR या VCR उसके बारे में सुनने को बहुत मिलता है। VCR के नाम से बहुत सारे किसान लूटे जा रहे हैं, क्या ये सत्य है? 2-2 लाख 3-3 लाख 8 लाख VCR के 8 लाख? तो आप लोग तो डूंगरगढ़ हो गई, आपके यहाँ तो मैंने बात ही अलग है, रिकॉर्ड टूटते हैं। 8 लाख रुपए मेरे को बता रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही बात, परंतु मैंने उनको यह कह दिया है कि इसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने के बाद अगर गलत पता मालूम पड़ा तो जो लोगों ने गलती की है उनको इस पे दंडित किया जाएगा और वो पैसा वापस उन लोगों को दे दिया जाएगा जो दंडित हो रहे हैं। तो सबको कहकर रख दिया है क्योंकि बिजली हमारी मूलभूत सुविधा है और अगर हमको बिजली नहीं मिल रही है तो उसका पैसा लेने का भी सरकार को हक नहीं है। अगर देती है तो ले, हमें कोई चिंता नहीं है। मैंने अलग से राजस्थान के इतिहास में पहली दफा एक लाइन महिलाओं को दी सिंगल फेज की और मैंने ये तय किया कि महिलाओं के पास 20 से 22 घंटे या 24 घंटे बिजली मिलने का इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि आप लोग थके मानदे काम से वापस जाते हो, किसान थका मानदा वापस जाता है, घर ठंडा उनको मिलेगा, खाना पकाती है तो गर्मी में नहीं पकाएंगी और अगर बच्चों को परीक्षा का समय आता है पढ़ना पड़ता है तो उनको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, अपने घर में अपने ठंडक के अंदर लट्टू के नीचे बैठ के परीक्षा का एग्जाम पास करने का काम और पढ़ाई का काम वो कर सकती है। इसलिए इनको वो लाइन दी और ये कोशिश थी कि आपको जाते जाते 18 से 20 घंटे तक मैंने ला के दे दिया था, परंतु अब मैं देखती हूँ कि वो कहीं 6 घंटे कहीं 7 घंटे कहीं 8 से आ गया है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ माताएं बहने कि वो लाइन 24 घंटे घरेलू बिजली आपको ला के छोड़ूंगी अपनी सरकार आएगी तो, आज इसकी याद रखना। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जिस तरीके से बिजली के साथ खिलवाड़ हम जब खत्म करके गए थे 2008 के अंदर तो बिजली व्यवस्थित होने को आ गई थी। डूंगरगढ़ अच्छी तरह से जानता है कि नहीं जानता है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके उसको व्यवस्थित किया था। डूंगरगढ़ लास्ट में था डूंगराम जी, वो सब जानते हैं, मुझे मालूम है। डूंगरगढ़ वालों को मैंने हाथ जोड़ के कहा था भैया करने दो, लाइन हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, हमारी कोशिश हुई कि आप लोगों को भी सही मिल जाएगा तो महिलाओं को भी सही मिल जाए, बिजली का इंतजाम हो गया था। अब मुझे नहीं मालूम कि कितना पीछे हमको ले गई है सरकार, क्योंकि वो 8000-10000 करोड़ का काम था, जिस 8-10000 करोड़ के काम को मैं सुनती हूँ कि उसके ऊपर पानी फिर गया। अब पानी की स्थिति,
की स्थिति पूरे राजस्थान। अब ये पांचवा संभाग हम चालू कर रहे हैं। इस संभाग के अंदर तो किल्लत है ही, परंतु वो चारों संभाग के अंदर भी किल्लत थी। फ्लोराइड का पानी पीने को लोगों को मिल रहा था। शहरों के अंदर दो दिन में, तीन दिन में ब्रिज पानी आता था, और वो भी एक घंटे के लिए। और बड़ी मुश्किल से लोग रोते थे, कहते थे कि हमारे पानी का इंतजाम करो। माताएं बहने, मैंने वो भी तय किया है कि पानी का इंतजाम, ये मैं नहीं कह सकती कि आज सरकार आ जाती तो कल आपको पानी मिल जाएगा, परंतु अगले पांच साल में हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग तक पर्याप्त और शुद्ध पानी सही तरीके से घर में पहुंचे, ये स्थिति कराने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। अब आप देख लीजिए कि सुराज का मतलब यह है कि मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। आज 65 वर्ष हो गए लोकतंत्र का, उसमें से 5 साल मेरे निकाल दीजिए, 7 साल भैरव सिंह जी के निकाल दीजिए, 12 साल अगर निकाल दोगे तो 53 साल हमने मिलकर कांग्रेस को दिया है लगातार। अब समझो कि 53 साल के अंदर क्या नहीं हो सकता था और कहां हम लोग पड़े हुए हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, 10 साल उनकी जनता ने उनके मुख्यमंत्री को दिया तो उन्होंने उसकी कायापलट मध्य प्रदेश की करके छोड़ी। इसी तरीके से 15 साल मिले आपके नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के अंदर, और गुजरात का कायापलट करके उन्होंने भी छोड़ दिया। यहां से लोग पंजाब पलायन करते हैं, यहां से लोग हरियाणा चले जाते हैं, यहां से लोग गुजरात चले जाते हैं, यहां से लोग यहां क्यों नहीं रह सकते, ये आप मेरे को बताना चाहें। ये इसलिए होता है क्योंकि 53 साल के अंदर हमने लोगों को गरीब रखा, हमने लोगों को दुखी रखा, हमने लोगों को डरा के रखा, हमने लोगों को झगड़ा करवा के रखा। हमने कभी राजस्थान को एक नहीं होने दिया, हमने उनको जाति की लड़ाइयां, मजहब की लड़ाइयां, अलग अलग लड़ाइयां करा के कोशिश ये की कि परिवार के अंदर दो भाई भी लड़ पड़े, और उसका फायदा उन्होंने पूरी तरह से उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के बीच में आके ये कहा है कि जिन सरकारों ने मूलभूत सुविधा 65 साल के अंदर आप लोग तक नहीं पहुंचाई है, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, और उसको उतारने का काम इस सरकार में इस टाइम में अपन लोगों को मिलकर करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम लोग सब कहते हैं कि 36 की 36 कौम और सब मजहब जब साथ चल पड़ेंगे, एक परिवार के रूप में सब प्यार से बन जाएंगे, तो राजस्थान की आवाज ऊपर तक पहुंचेगी और राजस्थान एक नया राजस्थान बनेगा और उसका विकास कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये आप विश्वास करके चलिए। आज उस विकास को रोकने वाले हम ही हैं। जब हमारे बीच में दीवार खड़ा हो जाता है और ये मजाक करके मेरे को कहते हैं, अरे साहब आप लोग क्यों, हमने तो 50 साल राज कर लिया, आप तो 4 साल भी राज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को दुखी नहीं रखोगे, जब तक आप लोग इनको एक दूसरे से झगड़ा करा के नहीं रखोगे, तब तक ये आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। हमने राज किया 50 साल, देखो कैसे किया, और हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का जमाना है, इसके अंदर आप सबको छूट है। एक ऐसी सरकार होनी चाहिए आपको जो सरकार आपके वचन पे चले, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसको आपने सपना में देखा है और जिसको आपने टेलीविजन पे देखा है और जो आप चाहते हो कि ऐसी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आज हमारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ये पहली सरकार है जिसने स्कूल बंद किए हैं, खोले नहीं, पहली सरकार है जिसने बंद किए हैं, और कहती है कि समानीकरण हमको करना है। अरे समानीकरण तो हमने भी सोचा था, परंतु हमने कहा जो ढाणी के अंदर दूर दराज में लोग रहते हैं और जिनको 15-15, 20-20 किलोमीटर दूरी पर आना पड़ता है, ऐसी जगह के ऊपर अपने को स्कूल खोल देने चाहिए, और भले ही लोग वहां कम जाए परंतु उनको पढ़ाने की व्यवस्था अपने को करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की परिस्थिति अलग है। परंतु उनको बंद कर दिया, और बंद करके कहते हैं कि समानीकरण पे 20 किलोमीटर चल के और यहां आओ और यहां आके अपनी पढ़ाई करो, जबकि बस नहीं चल रहे रोड के ऊपर। लोग मुझे बताते हैं कि यहाँ एक बस बड़ी मुश्किल से होती है या दो बसें होती है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, परंतु गाड़ियों से लाने का कौन काम करेगा। जब टीचर नहीं है स्कूल के अंदर, विशेषज्ञ नहीं है आपके, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो भी नहीं है, अस्पताल के अंदर विशेषज्ञ नहीं है आपके, मालूम नहीं यहाँ कितने डॉक्टर है, पूरे डॉक्टर है क्या, पूरे टीचर है, टीचर भी नहीं है, स्कूल खाली है,
अस्पताल खाली है, लेडी डॉक्टर है क्या? मुझे कहीं नहीं मिलती लेडी डॉक्टर। मैं जा जाके जहां गई हूँ वहां मैंने ये प्रश्न पूछा है लेडी डॉक्टर ने। अब बच्चे बड़े कैसे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, और आगे उनको रोजगार कैसे मिलेगा, कॉम्पिटिशन में बैठेंगे कैसे? और एक नया रूल निकला है कि आठवीं तक को सबको पास कर दो, तो आप सब आठवीं तक के स्कूल बंद कर दो, टीचरों को नौकरी मत दो, नौवीं से काम चालू कर दो। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि लोग जानते हैं विलायत में और दूर दराज के अंदर कि हिंदुस्तान के बच्चे पढ़े लिखे और बड़े आगे होनहार हैं, और उन्होंने इसीलिए तय कर दिया है कि आठवीं तक नहीं पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ सकेंगे, कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ सकेंगे तो हिंदुस्तान के बच्चों को अलग कर दिया जाएगा। अब आज संसद के अंदर भी इसके ऊपर बहुत जोरदार बहस छिड़ चुकी है, और मैं विश्वास करती हूँ कि इसको पलटा जाएगा ताकि हमारे सब बच्चों को जिस तरीके से पहले मिला करता था उस तरीके से तालीम भूत मिलेगी। ये बहुत जरूरी है, परंतु हमारे बच्चों को आगे चल के नौकरी मिलेगी उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया है? आप देख लीजिए, कर्मचारियों के पद 60% खाली पड़े हुए हैं, हमने उनको भरा नहीं है। और युवाओं के लिए जो टीचर के लिए हम लोग भर्ती कर रहे हैं उसके अंदर भी हमने एक टेट का एग्जाम फंसा दिया है। टेट से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें घुस ही नहीं पा रहे हैं, और मैं तो समझती हूँ कि इस आज तक तो टेट को हम लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया और राजस्थान बड़े आराम से चला। आगे आने वाले समय के अंदर भी हमने तय कर लिया है, सरकार अपनी आती है तो टेट का हम इंतजाम जो है उसको हटाएंगे ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जिस तरीके से 1,000,000 बच्चों को हमने अपने समय में नौकरी दी थी, और अभी देख रही हूँ मैं 4.5 साल के अंदर मुश्किल से किन्हीं किन्हीं बच्चों को नौकरी मिली होगी। हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे पढ़े लिखे अपने पैर पे खड़े हो और उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत ना हो, राजस्थान के अंदर ही छोटी छोटी फैक्ट्री लगे, अपना काम हो और बच्चों को यहाँ इस राजस्थान के अंदर ही रोजगार मिले। एक ऐसा सपना देखने की हम लोगों को जरूरत है, हमारी महिला सुरक्षित हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, और फिर हमारा किसान, आज हमारा किसान दर दर भटक रहा है, सही टाइम पे पानी नहीं या पानी मिलता ही नहीं है, बिजली नहीं, बीज नहीं और आता है तो नकली है, खाद नहीं, कभी टाइम पे ही नहीं मिलता है, और ये सब चीज के बाद जब वो फसल अपना ले जाता है तो वो फसल पे अच्छे दाम नहीं मिलते, सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। अरे मध्य प्रदेश को देख लो, मध्य प्रदेश का किसान को तो टेलीफोन से SMS पे सपोर्ट प्राइस और टाइमिंग बताया जाता है कि फलाने टाइम को आप अपना माल लेके आ जाओ, यहाँ तक उसको सपोर्ट प्राइस भी, और उसको ये भी बताया जाता है कि भाई टाइम पे आ जाना तुम्हारा ये सब काम हो जाएगा। सरकार तो चला ही नहीं, मैं तो आपको बता दूं क्या क्या नहीं हो रहा है किसान के नाम पे। मैं पूछूं यहाँ मुआवजा किसी किसान को मिला? ताला पड़ा था, बोले पड़े थे, तो आप लोग किसी को भी मुआवजा मिला? हमें तो ये बताया था जयपुर के अंदर कि बिजली के दाम कम कर दिए गए हैं और पैकेज बना के बहुत अच्छे पैसे उन लोगों को सबको मिल रहा है, और मैं जहां भी जाती हूँ पूछती हूँ तो आप जैसे हाथ कर रहे हो वैसे सब लोग हाथ करके मेरे को बोलते नहीं मिला, आप भी कह रहे हो कि नहीं मिला है, नहीं मिला है ना। एक और पूछूंगी, इस सहकारिता के अंदर आप लोगों को जो ये लोन मिलता है 1,50,000 का, वो कहते हैं बिना ब्याज का देते हैं, आपको किसी का मिला? ये भी नहीं मिल रहा है। पांच % नहीं हुई तो कह रहे हैं जिनको मिला उन लोगों ने मेरे को ये कहा कि हम लोगों को आधे से ज्यादा पैसा तो रिश्वत में देना पड़ा था, ये भी बात आई। तो मुझे तो मालूम है कि किसान के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और आज मैं आप लोगों को यही कहने जा रही हूँ कि जो सरकार हमको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकता, और सड़क की हालत देख लो, आपके यहाँ की सड़कें सब अच्छी हैं, हाईवे जो हमारी है वो तो अच्छी है क्योंकि हाईवे से मैं चलती हूँ, अभी ये 4 संवाद से मैं होते आ रही हूँ, ऐसे सड़क मिले। मैंने जब उनसे पूछा तो उनने कहा साहब आगे तो सड़क बनती है पीछे से उखड़ती है, आगे से बनती है पीछे से उखड़ती है, तो आपको अच्छा अच्छा दिखता जाएगा पीछे से उखड़ता जाएगा, और बरसात आने तो दो पूरी की पूरी सड़क बह जाएगी, फिर अगले साल फिर काम मिलेगा। बस यही चल रहा है, और हमने ये कह दिया है कि अभी हमने जो 5-5 साल के लिए करार किया था
और जो हाईवे हम लोगों ने बनाए थे उनके अंदर हमने कह दिया था पेनल्टी होगी अगर सही तरीके से रोड को नहीं रखोगे। और मैं कह सकती हूँ गर्व के साथ कि जो हमारी हाईवे हुई है उन हाईवे की हालत तो आज भी ठीक है, और उन हाईवे के ऊपर जब लोग चलते हैं तो मेरे को कहते हैं कि याद तो करते हैं हमें। तो मैं आज इतना ही कहने आप लोगों के बीच में आई हूँ कि आप एक आदमी ये कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। और मैं ये कह रही हूं कि ये परिवार हमारा है, ये ताकतवर परिवार है, इसकी जात, इसकी मजहब, इसके कौम सबको साथ लेके चलने का काम करूंगी। आप लोग आगे चलोगे, विश्वास को प्यार दोगे, तो मैं बता रही हूं आपको कि हम लोग राजस्थान को बदल सकते हैं, मिलके बदल सकते हैं। मुझे मालूम है कि राजनेता लोग जब ये बातें करते हैं ना तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हमने ये पहले भी सुना है, बहुत दफा सुना है, परंतु आपने इसीलिए मैं इनको सबको कहती हूँ मेरे को कहते बोल दो, मैं कहती हूँ जब तक मैं नहीं बोल सकती और हर चीज के ऊपर कंजूसी इसलिए करती हूँ कि जब तक मुझे नहीं विश्वास है कि ये काम हो जाएगा तब तक मैं आपको वादा नहीं करती। हम लोग मिलके बदलाव लाएंगे, परंतु उसके लिए आपको भी ये कहना है हम नहीं डरेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम मिलके करेंगे। क्योंकि जब राजस्थान हमको 2003 में मिला था और जिस राजस्थान की लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं उसमें भी जमीन आसमान का फर्क, तब एक राजस्थान हमको मिला था जो गड्ढे में पड़ा था, जो बीमारू था और जिसके खजाने खाली थे, पर ये राजस्थान जो हमको मिलेगा वो उससे भी बदतर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पैसा खर्च किया है, जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस तरीके से किया है जिसके राजस्थान को आगे चलने वाले वक्त के अंदर बहुत भुगतना पड़ेगा। परंतु अगर हम और आप मिल के काम करेंगे तो इसमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं, बस हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत है क्या? जिस तरीके से परिवार में हिम्मत रखने की जरूरत है, अगर हिम्मत है तो सब कुछ बदल जाएगा। बताओ माताएं बहने हिम्मत है? अभी आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, डरोगे तो नहीं। हमारे यहाँ तो सीबीआई लटका के रखा हुआ है, कभी गुलाब जी के पीछे पड़ जाते हैं तो कभी आयोग खड़ा करके मेरे पीछे पड़ जाते हैं। 5-4 साल से तो आप देख रहे हो कौन सा माथुर आयोग, कौन सी फाइल है, कभी एफआईआर लग रहा है तो कभी कुछ लग रहा है। मैंने कहा ये सब झेलेंगे, ये हमारा परिवार है, इस परिवार के लिए हमने तय किया हम सेवा करेंगे, हम आपके बीच में लड़ेंगे। और हमने कह दिया कर लो जो करना है, क्योंकि भगवान के सामने हमने वचन दे के आप लोगों के बीच में खड़े होने का काम किया है, हमको डर नहीं है। आखिर में भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और कभी न कभी दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने हो ही जाएगा, तो लोग समझ जाएंगे कि क्या है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी अगर ये सोचे कि लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर है। आपको याद होगा जब हम लोग गए थे उनसे मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी ने आपको ये कह दिया था कि आपको क्या लगता है कि पेड़ों के ऊपर पैसा उग रहा है कि हम ऐसे ही निकाल के आप लोगों को दे देंगे, तो जनता का पैसा है ये, उनका पैसा नहीं है। हमने उनको ये कह दिया कि ठीक है आपका पैसा तो पेड़ों पे उग रहा है परंतु जनता के वोट भी पेड़ पे नहीं उगते हैं, और आओ तो सही एरिया के अंदर आओगे जब हम याद दिलाएंगे आपको कि हमारे भी वोट जो है वो पेड़ पे नहीं उग रहे हैं, और वो हम बिल्कुल सोच समझ के देंगे इस बार। और हम लोग ने सबने तय कर लिया कि हम लोग नया राजस्थान बनाने की तैयारी में हैं, एक ऐसा राजस्थान जिसमें स्वाभिमान इज्जत हमको सबको मिले, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिला सुरक्षित हो, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा किसान मजबूत हो और हमारे बच्चों को रोजगार मिले, एक ऐसा राजस्थान जिसके लोगों को ऊपर माने मेहनत करने के लिए छूट हो। पहली दफा हम लोग सब मिल के मेहनत करेंगे और एक ऐसा राजस्थान बनाएंगे जो पहले जो इतिहास में था जिसको फिर लोग याद करते हैं, वैसा राजस्थान एक दफा फिर से बनाएंगे, लोग फिर आएंगे इस राजस्थान में, फिर इस माटी को छुएंगे और फिर अपने माथे पर लगा के कहेंगे कि हाँ ये है वो राजस्थान, प्रताप का राजस्थान, गंगा सिंह जी का राजस्थान, ये वो राजस्थान जिसके लोग मेहनती हैं, जो लोग तय कर लेते हैं तो करके बैठते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने तय कर लिया इस बार तो डूंगरगढ़ भी
पूरी तरीके से हमारा साथ देगा तो यहाँ का जो एमएलए लेके जाएगा राजस्थान के एक पूरा नया राजस्थान को बनाने की तैयारी में रहेगा। इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हिम्मत है तो सब लोग हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ कि हिम्मत है हम लोग। अरे मुट्ठी बंद करना, मैं भूल रही आपको कहना कि ये तो हाथ वो हाथ है जो खूनी है। इस हाथ ने महिलाओं का अत्याचार किया है, इस हाथ ने लोगों को लूटा है, इस हाथ ने लोगों को मारा है और आज भी ये है ना आपके जेब को काट रहा है। इसलिए जब आप अपना हाथ ऊपर करते हो दोनों हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी बंद करके और आप ही बता दो कि हिम्मत है इसलिए जोरदार नारा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और आपके पूरे परिवार, मुझे गर्व है कि एक ऐसे परिवार की मैं भी एक अंश हूँ। आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और ये विश्वास दिलाऊंगी कि राजस्थान को एक नया राजस्थान को खड़ा करके हम लोग छोड़ेंगे। बस आ जाओ और साथ चलो और देखो इसका मजा अलग ही है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।